हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम भोजपुरी फिल्मों से आगे कसम पैदा करने वाले की इस शुक्रवार रिलीज हुई यश कुमार अभिनीत फिल्म कसम पैदा करने वाले की कमाई के मामले में 2017 की तमाम भोजपुरी फिल्मों से आगे निकल गई है। प्रथम तीन दिन में ही इस फिल्म ने गाढ़ी कमाई की है और कमाई का ये सिलसिला अभी फिलहाल रुकने वाला नहीं है। मुंबई गुजरात में इस फिल्म का प्रदर्शन पहले ही किया जा चुका है और वहां भी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था। मुंबई और गुजरात के बाद 15 सितंबर को ये बिहार के सर्वाधिक थिएटरों में रिलीज किया गया है और फिल्म के रिस्पांस को देख अनुमान किया जा रहा है कि ये इस वर्ष की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म साबित होगी। भोजपुरी ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक कसम पैदा करने वाले की ने जहां प्रथम दिन अच्छी शुरुआत की है, वहीं शो वाइज इसके कलेक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म कई अन्य रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। बता दें कि फिल्म रिलीज से पहले ही अभिनेता यश कुमार ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान हर जगह अपने साथ दो और अभिनेता के होने की बात स्वीकारी थी और उसके साथ अभिनय करने में हुई कठिनाई का जिक्र कर काफी पब्लिसिटी बटोरी थी और वो दो एक्टर कुत्ता और बंदर था, जिसे फिल्म की USP बताई गई थी। फिल्म की ये तरकीब काम कर गई और लोगों को इन दो एक्टरों का काम खूब पसंद आया। फिल्म में दो खूबसूरत अभिनेत्री रितु सिंह और निधि झा ने भी उम्दा अभिनय किया है। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट को जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।